इटावा के मड़ैया दिलीप नगर में 9 फरवरी 2020 को आयोजित वीर शहीद अखिलेश निषाद की समाधि का उद्घाटन समारोह, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री वर्तमान MLC श्री माननीय राज्यपाल कश्यप जी उपस्थित हुए और उनके साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति, क्षेत्र के पूर्व सांसद और विधायक प्रत्याशी इस प्रतिमा जो बनी है उसका उद्घाटन किया जा रहा है। और मथुरा के महेंद्र निषाद और वादाम सिंह निषाद ने ये प्रतिमा बनवा करके दी है। और इस प्रतिमा के साथ साथ जो समाधि यहाँ लगाई बनाई गई है, ये बड़ी समाधि है, उस समाधि का निर्माण कराने में निषाद वंश के लोगों ने देश और विदेश में रह करके अपनी आर्थिक मदद यहाँ दी है, जिसकी सहायता से ये समाधि विशाल समाधि बन करके तैयार हुई। और समाधि के साथ साथ ये जो जगह है एक ऐतिहासिक स्थल बन गया। एकलव्य मानव संदेश का मैं संपादक जसवंत सिंह निषाद उन सभी साथियों को, निषाद वंश के सभी भाइयों को, बहनों को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने एकलव्य मानव संदेश के आह्वान पर वीर शहीद निषाद के नाम पर बने उनके पारिवारिक ट्रस्ट वीर शहीद अखिलेश निषाद स्मारक ट्रस्ट के लिए अपना योगदान दिया। उसी योगदान की बदौलत ये जो कार्य था वो संभव हो पाया। और इस कार्य के करने के लिए हम आत्माराम निषाद जी का भी धन्यवाद देंगे कि उनका बेटा, इस इकलौता बेटा था जो इस निषाद वंश के आरक्षण के लिए 7 जून 2015 को कसरवल में जा कर के शहीद हुआ। उसने अलख जगाई और समाज में एक चेतना जागृत हुई। इस जमुना किनारे का गांव जो बीहड़ का एक तरह से गांव कहलाता है, वहां का बेटा जाकर के गोरखपुर में शहीद होता है। और पूरे प्रदेश और देश के दूसरी जगह से भी यहां गणमान्य लोग पहुंचे और उन्होंने इस वीर शहीद की समाधि पर का स्थापना और वहां आए कार्यक्रम में भाग लिया। उन सभी का हम लोग धन्यवाद देते हैं। और ये बड़ा अच्छा लगा कि लोगों ने आकर के इस समाधि के पर अपना जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ हम उन सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि एक आह्वान था सोशल मीडिया पे एकलव्य मानव संदेश का, हम कहीं गए नहीं थे। एकलव्य मानव संदेश ने एकलव्य मानव कल्याण आर्मी के माध्यम से और एकलव्य मानव संदेश के अपने डायरेक्ट माध्यम से जो सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर अपील की गई, उसी का नतीजा रहा कि इतनी विशाल समाधि का जो कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। और लगभग 4.5 साल बाद उस शहीद की समाधि को छत और उसकी मूर्ति स्थापित हो पाई। ये सब जो भी आप लोगों के माध्यम से हुआ, ये अभी आप देख रहे हैं वीर शहीद अखिलेश निषाद की छोटी बहन वंदना, 3 बहन हैं और वंदना अपनी बदना अपनी बात समाज के सामने रख रही है। हमारे मतलब हम आप लोगों ने वोट क्या दिया है, हमने कह दिया उनसे कि हमारे भाई ने तो भी जान दे दी तो वोट के क्या कीमत है। हम भी रोते हैं जब त्योहार आता है, हम भी रोते हैं जब त्योहार आता है, सब लोग अपने भाई को राखी बांधते हैं पर हम उस दिन रोते हैं। हमारे ऐसी पिता समान महेंद्र सिंह तोमर और जसवंत सिंह, इन्होंने हमारी भाई की समाधि की तैयारी करवाई, उसे स्थापित करवाया। और हमारे बाहर से सभी भाई बहन एवं पिता समान सभी बुजुर्ग, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। हम उन सब लोगों का स्वागत धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमारे भाई की समाधि स्थापित करी। हम सब लोगों से यही निवेदन है कि यहाँ पर सभी लोग आए और हमारे भाई की समाधि पर सभी लोगों ने भीड़ इकट्ठी करी। हम उन लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और हम उनसे इसी गुजारिश है कि हमारे भाई की ऐसी न्यू डालना कि हमेशा चलती रहे, बस हमारा यही अनुरोध है आप सबको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग वादा करते हैं इस परिवार को कभी भी कोई कष्ट ना आए। क्या आप सब लोग तैयार हैं? वीर अखिलेश निषाद, वीर अखिलेश निषाद, ये जो आरक्षण
अपने पिता को इस आरक्षण के लिए खोया है। मैं चाहूंगा कि दो शब्द उस बेटे की भी हम लोग आप लोग सुने, क्योंकि भाषण तो हम लोग सब सुनते रहेंगे लेकिन वेदना जिनकी है अगर वेदना को हम ना सुने तो थोड़ा सा अचंबा रहता है। अनिल निषाद हमारे 2000 गाजीपुर की धरती थे को उनके पिताजी पिछली गाजीपुर के 30 नवंबर को जो कठवा मोड़ कांड चला जिसमें प्रधानमंत्री की रैली को रोकने के लिए निषाद वंश के लोगों ने जाम लगा करके अपना प्रदर्शन किया अपने आरक्षण की मांग के लिए। उस पर एक पुलिस वाले की जो मौत हुई गिर करके उसको निषादों के ऊपर मार लगाया गया कि इन्होंने उसकी हत्या कर दी। उसमें पुलिस ने जो तांडव मचाया उसमें हरनाथ बिंद और उनके दो बेटों को पुलिस ने उठा करके पीट करके पूरी तरीके से जेल में डाल दिया था और हरनाथ बिंद का सही इलाज न मिलने से 28 फरवरी 2019 को उनकी मौत हो गई। उनका बेटा अनिल निषाद हमारे आपके सामने है, हम उसकी बात सुनते हैं। बुजुर्ग इस जिले के मेरे भाई माताओं बहनों तथा अन्य समाज के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोग के चरणों में मैं अनिल कुमार बिंद प्रणाम करता हूँ और मैं हरनाथ बिंद का एक छोटा लड़का हूँ जो कि कठवा मोड़ कांड में हमारे पिताजी को तथा दो भाई को जेल किया गया था घर से उठाकर, जिसमें एक भाई सूट की मारुति से आए थे उनको भी उसी दिन उठाकर कर दिए थे और पुलिस के मारपीट की वजह से पिताजी की देहांत जेल में ही हो गई। और मैं अपने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बार बार सूचना दिया लेकिन आज तक वो नहीं सुने। इसी के बाद मैं अपना किसी तरह गैर जमानत करते हुए आप लोगों के बीच में माननीय जसवंत सर जी के माध्यम से एवं रुद्र महासेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन कश्यप जी एवं महेंद्र सर जी के माध्यम से आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ। और मैं यही बताना चाहता हूँ यहाँ पर सभी उपस्थित सज्जनों से कि हमारे समाज को एकजुटता होनी चाहिए और जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारा समाज ऐसे ही मारपीट होता रहेगा और एक न एक शहीद होते जाएंगे। इसी के चरणों में इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा प्रणाम सभी को है, धन्यवाद अनिल जी। अभी मैं चाहूंगा वो आवाज जिसके सामने भी शहीद अखिलेश निषाद ने अपनी जान दी, जिसके साथ अखिलेश निषाद एक भाई की तरह रहते थे, वो जोरदार आवाज कि हम लोग नहीं सुनना चाहेंगे ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि पंकज निषाद हमारे आपके बीच में आए और उस दिन की दर्द भरी दास्तान, क्योंकि कहानी क्या है, क्यों अखिलेश निषाद की जान गई, क्या उस दिन की घटना थी, वो उस घटना को अपने शब्दों में अगर बयान करेंगे तो शायद हम सभी का जो है एक अच्छा मार्गदर्शन हो सकता है। पंकज निषाद वीर शहीद अखिलेश निषाद के बचपन के साथी पंकज निषाद मैया दिलीप नगर इटावा से ही रहने वाले हैं। उनके घर के पास ही इनका घर है और ये उस 7 जून 2015 की जो घटना हुई जिसमें अखिलेश निषाद की जान गई उसके चश्म की दबाव ये दोस्त हैं पंकज निषाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जो यहाँ पे ललिता सिंह सभी हमारे खड़े बीच में बैठे हमारे भाई बहन बुजुर्ग पापा चाहू जितने भी हैं सभी का मैं पैदल से धन्यवाद करता हूँ। समय का अभाव है, भक्ता भी काफी है, मैं अपने मुख्य बिंदु पे आता हूँ। साथियों 7 जून 2015 को उस तपती हुई धूप में हम लगभग 1 लाख निषाद मघल संत कवि ने
रेल में ट्रैक पर शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। धरना क्या था? हम लोग आरक्षण की मांग कर रहे थे। आरक्षण मांगना क्या गलत है? साथियों गलत है, बाप भी गलत है अपने बेटे से, बेटा भी गलत है अपने बाप से कि मुझे हमारा रिश्ता चाहिए कि नहीं चाहिए, लाता है कि नहीं लाता है। अगर हम इस बयान होगी सरकार से लड़ रहे थे कि मुझे आरक्षण चाहिए, हमारा हिस्सा संविधान में लिखा है, 1952 में यह देश आजाद हुआ है, 1952 से हमारा हिस्सा लिखा हुआ है, मुझे नहीं मिलता है, उस हिस्से को मांगने के लिए 7 जून 2015 को हम खड़े हुए थे। तो गलत किया था कि अच्छा किया था? अच्छा किया था, नहीं किया था? लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? गोलियां बरसाई गई, वहां पे वीर शहीद अखिलेश निशान, हमारा भाई हमारी आंखों के सामने शहीद हो जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। साथियों, जब हमारा भाई हमारी आंखों के सामने शहीद हुआ, वो दिन मुझे पता है कि उस दिन पानी नहीं पीने को था, खाने को खाना नहीं था, नींद नहीं आती थी, हम लोग भागते भागते फिर रहे थे कि अखिलेश भाई कहाँ है, अखिलेश भाई कहाँ है। वहां से भागते भागते हम लोग गोरखपुर पहुंचे। साथियों, गोरखपुर में अस्पताल थे, एम्बुलेंस में डालते हैं, एम्बुलेंस से उठा करके सीधे जाके पीएम हाउस डाल देते हैं और ताला लगा देते हैं। हम लोग ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, लेकिन अखिलेश भाई हमें नहीं मिलता है। साथियों, अखिलेश भाई बच जाता। फतेहाबाद विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सौखीराम दरोगा जी, जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, वो अपनी बात सामने रख रहे हैं। शहीद अखिलेश निषाद की जो नवनिर्मित समाधि है वो आपको दिखाई दे रही है कि विशाल समाधि करीब 17 फुट ऊंची है, बनाई गई है। किसी के गर्म नहीं रखना समाधि को, पार्टी को बेचना नहीं है, ज्यादा समय नहीं है। सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अर्जुन सिंह कश्यप जी कार्यक्रम उपस्थित हुए और अपनी बात उन्होंने रखी, क्योंकि ये गाजीपुर का कटवा मोड़ कांड के मुख्य अभियुक्त बनाए गए और काफी दिनों तक जेल में बंद रखा गया। वो अपनी बात हमारे आप बताते आ रहे हैं कि हम लोग राजा के वंशज हैं, हम लोग के अंदर राजा का खून बह रहा है। तो राजा का खून शेर की तरह रहता है कि बकरी की तरह? शेर की तरह है भाई, तो बकरी की तरह क्यों मैं बोल रहे हो? आज यही बकरी की तरह मैं बोल रहे हो, इसलिए हमारा हाथ अधिकार नहीं मिल रहा है। ऐसा शेर की तरह कहां आओ कार्यक्रम में जगह जगह से दूर दराज से कई जिलों से करीब 30-40 जिलों से आए हुए ये विशाल समाधि जो आपको दिखाई दे रही है, निषाद वंश के दानियों की माध्यम से बनी है, ताकि सभी दुश्मनों के आज उनका व्यवहार है कि अब शेर के बच्चे और बच्चियां सब जग चुके हैं, या शेर के नौजवान जग चुके हैं, अपना हक अधिकार लेने से वंचित नहीं होंगे। तो तेज आवाज में लगेगा कि नहीं आवाज लगेगा? सबसे पहले मैं बरेला की धरती को प्रणाम करते हुए, जिस धरती पर हमारे ऐसे वीर शहीद को जन्म दिया, आज इस उनके मूर्ति आराम में जो इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं परमादर्शी अध्यक्ष उनके बाबा श्री परमादरणीय बाबू श्री राम अवतार जी, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मैं भैया जो इस प्रदेश के विधान परिषद के सदस्य हैं, राज्यपाल कश्यप जी, और यहां मंच पर बैठे हमारे तमाम संगठनों के अध्यक्ष पदाधिकारीगण, समाज सेवीगण, और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे पितातुल नौजवान, पितातुल बुजुर्ग नौजवान साथियों, ममतामयी माताओं बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं अपनी तरफ से और अपने संगठन रुद्र महासेना की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, मैं भी करीब 99 से मैं इस समाज के आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा हूं। जागरूकता तो बहुत समाज में आई, लेकिन मैं देख रहा हूं
कि समाज हमारा आगे नहीं जा रहा है। हम लोग समाज में घूमते हैं, देखते हैं इस देश के अंदर सबसे बड़ी संख्या हमारी है, सबसे बड़ी आबादी हमारी है, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला हमारा समाज है और सबसे ज्यादा मेहनत और पैसे भी कमाने में हमारा समाज पीछे नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो सबसे निचले पैदान पर हमारा समाज है कि नहीं है, बोले भाई है कि नहीं है? आखिर क्यों? कभी इस पर आप लोगों ने सोचा, विचार किया? इसका मुख्य कारण है कि हम लोग राजनीति से कोसों दूर है, सत्ता से कोसों दूर है। हम लोग समाज में जाते हैं, पहले के नौजवानों से बात करते हैं, समाज के प्रतिनिधियों से बात करते हैं तो कहते हैं हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जिसका कारण है कि आज हम लोग खलियादा भुड़प रहे हैं, आज हमारे बहुत से समाज सेवी मारे गए, पूर्व नदी मारी गए, जमुना निशान मारे गए, अनेक अनेक हमारे समाज के लोग शहीद होते आ रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे साथी 7 जून 2015 को गोरखपुर के कसौरा कांड में जो समाज के आरक्षण की लड़ाई चल रही है, उस आरक्षण के लिए इस धरती के लाल ने अपने जान को निछावर कर दिया। उसी दूसरे कड़ी में उसी क्रम में हम लोग हमेशा रेलों को चक्का जाम करते रहते हैं। गाजीपुर में दो बार तीन बार हमारे लोग गए, हम भी उसमें गए हैं, लेकिन आज तक यह आरक्षण नहीं मिला। और आरक्षण पर हमारी राजनीति सभी पार्टी के लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि हम एकजुट नहीं है। अब हमको एकजुट होना पड़ेगा। अगर इतिहास गवाह है कि हमारे पूर्व राजा महाराजा थे तो इस देश के हम मालिक हुआ करते थे, तब देश सोने का चिड़िया कहा जाता था। लेकिन आज वही राजा महाराजा के वंशज आज भिखारी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। कि क्यों? क्योंकि अपने पूर्वों के चले हुए रास्ते पर हम लोग नहीं चल रहे हैं। आज मुट्ठी भर लोग इस देश पर कब्जा करके अपने समाज का दशा दिशा बदल रहे हैं, तो क्या हम बहुसंख्यक इस राजा के वंश के होते हुए क्या हम एक होकर के क्या इस देश के प्रदेश की कुर्सी पर अपने समाज के लोगों को बेच करके क्या अपने समाज का हकाधिकार ले नहीं सकते हैं? क्या नहीं ले सकते हैं? अपना मान सम्मान से ध्यान ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन अपने लोगों के अंदर सोच बदलना पड़ेगा। यह सोच पैदा करना पड़ेगा कि अगर हमारे श्री राजा के फूल है तो फिर हम अपना राजपाट हम लोग लेंगे और लेके रहेंगे, तब हमारा राजपाट आएगा, तब हमारे अधीक्षक हमारे लोग विधानसभा लोकसभा में जाएंगे, तब हमारा अपने हाथ से कलिंग के अंदर शक्ति आएगी, तब अपने समाज की तकदीरों भाग लिखेंगे। कहा गया है अक्सर हमारे लोगों के अंदर ये निगेटिव सोच आता है, नकारात्मक सोच आता है कि भगवान ने जो हमारे तकदीर में लिख दिया वही होकर रहेगा। वो अपने भरोसा नहीं करता है, अपने कर्म पर भरोसा नहीं करता है, वो भगवान भरोसे बैठाता है। मैं कहता हूं भगवान भरोसे बैठने से नहीं होता है, अपने कर्म से सब कुछ होता है। कहा गया है कि ब्रह्मा ने नहीं लिखा भाग में, ब्रह्मा ने नहीं लिखा भाग में, मनुष्य ही कुछ लाया है और शुभ वैभव अपने भुजबल से ही आया है, भुजबल से ही पाया है। तो आप लोग को यह प्रतिज्ञा करना पड़ेगा, अगर अखिलेश निषाद की मूर्ति का नाम होने के आप उस अवसर पर आए हैं, यहां से कसम लेना पड़ेगा, कसम लेकर जाना पड़ेगा कि अपने समाज को भी सभी हम उनके अगले हर सत्ता में बैठ पहुंचाने का काम करेंगे जो हमारी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए। ये प्रतिज्ञा करके लेकर चलना पड़ेगा, प्रतिज्ञा इतना संकल्पित होकर लेकर चलना पड़ेगा। कहा गया है एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि लक्ष्य न होने पाए कदम मिलाकर चल, लक्ष्य होने पाए कदम मिलाकर चल और मंदिर तेरी कदम चलेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। ये लक्ष्य बनाकर चलना पड़ेगा। जा रही है ये एक मेरी एकलव्य मानव संदेश पत्रिका जो एकलव्य जसवंत सिंह निषाद माध्यम के माध्यम से निकाली जा रही है, उसका विमोचन MLC मुख्य अतिथि राजपाल कश्यप जी के द्वारा किया जा रहा है। पूर्व विधायक, पूर्व सांसद इटावा यहाँ उपस्थित हैं और राघवेंद्र निषाद जी भी हमारे साथ। ये संबोधन और कार्यक्रम के बहुत सारे आपको चित्र के माध्यम से, क्योंकि वीडियो हम लोग उस वक्त ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए, ये महिला जो हैं
ये भी हमारे समाज की हैं। वहाँ इटावा की प्रत्याशी रहीं, ये एक तस्वीर जो कांच पर बनाई गई है एकलव्य की, वो दी गई बी डी निषाद जी द्वारा अपनी होली पुराण संत MLC साहब को भेंट की गई। कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अतिथिगण जो विभिन्न पार्टी विभिन्न दलों से आए पूरे उत्तर प्रदेश से, इसमें आप देख रहे हैं कई पार्टियों के कई संगठनों के लोग यहाँ आए, और संबोधन का कार्य मैं खुद संभाल रहा था, वो आप देख रहे हैं उपस्थित सज्जनों के, ये उपस्थित विशाल जनसमूह महिलाएं, और क्योंकि धूप थी तो चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, मंच के साथ साथ पूरा मैदान था उसमें भरे हुए, ये गाड़ियों में लोग आए। और ये पूर्व आवाज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भूपेंद्र निषाद जी संबोधन कर रहे थे। इसके अलावा अभी आप देख रहे हैं ये कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सारी भीड़ यहाँ उपस्थित हुई, मंच पर बैठे महेंद्र निषाद और MLC साहब पूर्व सांसद इटावा के साथ बहुत सारा विशाल समूह वहाँ उपस्थित हुआ, और कार्यक्रम सफल हुआ। ये मंच पर उपस्थित मेरी बेटी सविता निषाद वीरंगना फूलन देवी की बहन बड़ी रुक्मिणी देवी जी के साथ ये भी वहाँ कार्यक्रम में मेरे साथ पहुँची थी, और इसी तरह से ये परिवार के साथ हमारी बेटी सविता निषाद रुक्मिणी देवी जी के साथ उपस्थित जनसमूह समाधि के सामने एक चित्र के माध्यम से आपको ये उपस्थित नेतागण कमलेश जी और अर्जुन सिंह हरनाथ बिंद का बेटा अजय हमारे दिल्ली से आए हुए परमवीर कश्यप जी वीरांगना फूलन देवी की बहन को हम जब किताब अर्पित कर रहे हैं, MLC साहब राजपाल कश्यप जी सभा को संबोधित कर रहे हैं, ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये माला और उनका उद्घाटन का कार्यक्रम जो समाधि पर किया गया MLC साहब के द्वारा राजपाल कश्यप जी के उपस्थित जनसमूह में महिलाएँ बहुत सारी महिलाएँ आई और आकर के अपने इस बेटे को जो अमर शहीद है उसको श्रद्धांजलि अर्पित की। मंच पर उपस्थित बहुत सारे लोग फूल चढ़ाते हुए समाधि पर अतिथिगण मुख्य अतिथिगण ये आप सब देख रहे हैं, MLC साहब और पूर्व सांसद इटावा अखिलेश निषाद के पिताजी के साथ ये समाधि पर अपना करते हुए MLC राजपाल कश्यप जी प्रतिमा को और उपस्थित बहुत सारे जनसमूह। इस तरह से ये कार्यक्रम सफल हुआ, ये दानदाताओं की लिस्ट भी इसमें दिखाई दे रही है, वीर शहीद अखिलेश निषाद की ये प्रतिमा जो लगाई गई थी उसका शिलान्यास हुआ उपस्थित जनसमूह के माध्यम से, बहुत सारे पार्टी संगठनों के यहाँ नेतागण पहुँचे और ये कार्यक्रम सफल हुआ, यहाँ फूल अर्पित करते हुए सभी उपस्थित।